नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाई योर स्पेस में आपका स्वागत है। मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊं, तो आज का ये वीडियो हिंदी में है। फॉर द व्यूअर्स हु अंडरस्टैंड इंग्लिश, प्लीज स्विच ऑन द इंग्लिश सबटाइटल्स। आज का ये वीडियो लिनन कबर्ड पर आधारित है। लिनन कबर्ड मतलब जहाँ पर हम घर की सभी चादरें, तौलिए, कंबल, दोहर इत्यादि व्यवस्थित करके रखते हैं। इस विषय पर मैं वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, जब हम मुंबई में किराए के घर पर रहते थे। फिलहाल के लिए इस नए घर में ये सब सामान मैं अपने मास्टर बेडरूम के पलंग के नीचे बने हुए ड्रॉर्स के अंदर रखती हूँ। मगर जैसे जैसे सामान बढ़ने लगा, तो मुझे लगा कि इन सब के लिए एक निर्धारित कबर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने गेस्ट बेडरूम के एक कबर्ड को लिनन कबर्ड में चेंज कर लिया। गेस्ट बेडरूम में दो कबर्ड्स हैं, जिसमें से एक कबर्ड मेरी साड़ी की कबर्ड है, जिस पर मैं वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, और दूसरी कबर्ड है ये, जिसको कि मैंने लिनन कबर्ड में चेंज कर दिया और जिसे कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैंने गेस्ट बेडरूम ही क्यों चुना ये सब सामान रखने के लिए, क्योंकि पैंडेमिक है, अभी कुछ समय तक कोई गेस्ट तो आने नहीं वाले हैं, और अगर आ भी गए तो इसमें से कुछ सामान मैं दूसरे रूम में शिफ्ट कर दूंगी, ताकि गेस्ट अपना सामान यहाँ पर आराम से रख सकें। तो चलिए देखते हैं कि मैंने इसे कैसे ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले मैंने सारा सामान, जैसे कि चादरे, पर्दे, दोहर, तौलिए, ब्लैंकेट इत्यादि, सभी ड्रॉर से निकाल कर यहाँ रख लिए हैं। सभी सामान को मैंने श्रेणियों में विभाजित करके तय कर लिया है, इससे अलमारी व्यवस्थित करने में आसानी होगी। मैं यहाँ संक्षेप में आपको दिखा देती हूँ कि कैसे इन आइटम्स को आप फोल्ड कर सकते हैं, जिससे कि अलमारी सुंदर भी लगे और ज़्यादा से ज़्यादा सामान भी आ सके। बाथ टॉवल्स को पहले ऐसे हाफ फोल्ड कीजिए, फिर दोबारा से फोल्ड कीजिए, और अब एक किनारे से अंदर की तरफ फोल्ड करें और दूसरे किनारे से भी इसी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करें। हैंड टॉवल्स को ऐसे लंबाई में हाफ फोल्ड करें और फिर एक किनारे से लेते हुए दूसरे किनारे तक इसे रोल करें। ये टॉवल्स मैंने अभी फिलहाल में मीशो से ऑर्डर करके मंगवाए थे और ये बहुत ही अच्छे आए हैं। ये कॉटन से बने हैं और इनका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है। चादर को भी जब आप 3-4 बार फोल्ड कर लेंगे, तो यहाँ पर आने के बाद इसे लंबाई से हाफ फोल्ड करें और फिर यहाँ अंदर तकिए के कवर रख दें और ऐसे फोल्ड करें। क्योंकि मैं तकिए के कवर मिक्स एंड मैच करती हूँ, मैं चादरों को ऐसे फोल्ड करके रखना पसंद करती हूँ। आप चाहें तो एक तकिए के गिलाफ के अंदर भी पूरा सेट रख कर इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्विल को पहले हाफ फोल्ड कर लें, फिर एक बार दोबारा से फोल्ड करें और फिर एक किनारे से इसे रोल करते हुए दूसरे किनारे तक ले जाएं। तो अब आते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन पर। तो ये है वो कबर्ड। इसको नॉर्मल कबर्ड की तरह ही हमने बनाया था। इसमें ऊपर का एक सेक्शन है, दो छोटे ड्रॉर्स हैं और नीचे दो शेल्व्स हैं, और सबसे नीचे एक और बड़ा ड्रॉर है। शुरू करते हैं ऊपर से। क्योंकि ये शेल्फ बहुत बड़ा है, इसका वर्टिकल स्पेस अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए मैंने यहाँ ये एक मेटल रैक लगाया है। इससे चीजों को सेग्रीगेट करके रखने में आसानी होगी। तो यहाँ नीचे मैं रख रही हूँ ये एक्स्ट्रा तकिए, जो कि मेहमानों के लिए काम में आते हैं। इसके ऊपर यहाँ मैंने अब ओढ़ने वाली दोहर रखी है, और सबसे ऊपर मैंने बेबी ब्लैंकेट्स रखे हैं, जो कि मेरा बेटा ट्रैवल करते समय यूज करता है। नेक्स्ट आते हैं पर्दे। आजकल सभी के पास वैरायटी होती है पर्दों की, और इन्हें हम बदल बदल कर यूज करते हैं त्योहारों में या फिर सीजन के मुताबिक। तो मेरे पास भी ये पर्दे हैं, जिन्हें की मैंने साड़ी हैंगर्स की मदद से ऑर्गेनाइज किया है। इन हैंगर्स की मदद से ये फिसलेंगे नहीं, इससे ऊपर का स्पेस अच्छे से प्रयोग भी हो जाता है और सारी वैरायटी अच्छे से नजर भी आ जाती है। कुशन कवर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ये दो बास्केट्स ली हैं, जिनमें मैंने इन्हें फाइल सिस्टम में लगा दिया है। ये एक बास्केट में सभी रेगुलर यूज करने वाले कुशन कवर्स रखे हैं और दूसरी बास्केट में कभी कभी काम में आने वाले फैंसी कुशन कवर्स रखे हैं। यह ज्यादातर त्योहारों में काम आते हैं। इन दोनों बास्केट्स को मैंने यहाँ पर्दों के नीचे रख दिया है। अब आते हैं यहाँ बीच वाले शेल्फ में। यहाँ मैंने रखे हैं सबसे पहले बाथ टॉवल्स, फिर यहाँ पर सभी चादरों को रखा है मैंने।
पीछे भी कुछ एक्स्ट्रा चादरें रखी हैं जो कि मेहमानों के काम में आती हैं। और यहाँ रखी हैं फिटेड शीट्स जो कि मेरे बेटे के बेडरूम के लिए इस्तेमाल होती हैं। मैंने इन सभी को तय करके पाइल्स में रखा है, मुझे ऐसे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। आप चाहें तो बास्केट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। सबसे नीचे वाले शेल्फ में क्विल्ट्स रखी हैं रोल करके। यहाँ बैंगलोर में मौसम काफी सुहावना है, मॉनसून की बारिश में हल्की ठंड पड़ जाती है तो यहाँ क्विल्ट्स काम आ जाती हैं। गर्मियों में हम सिर्फ दोहर इस्तेमाल करते हैं तो तब मैं इन क्विल्ट्स को इनके बैग्स में पैक करके रख देती हूँ। जगह की कमी हो तो आप सीजनल आइटम्स को वैक्यूम बैग्स में भी रख सकते हैं, बहुत सारा सामान थोड़ी सी जगह में फिट हो जाता है। मैंने यह दरवाजे का भी अच्छा उपयोग किया है, इसमें मैंने यहाँ पॉकेट ऑर्गेनाइजर हैंग कर दिया है और इसमें मैं रखूंगी एक्स्ट्रा पिलो कवर्स। मैं अलग से पिलो कवर खरीदती हूँ मिक्स एंड मैच करने के लिए, तो इन्हें मैंने फोल्ड करके इस पॉकेट ऑर्गेनाइजर में लगा दिया है। इस तरीके से मुझे सारे पिलो कवर अच्छे से दिख जाते हैं और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाते हैं। अब देख लेते हैं ड्रॉर्स। यहाँ ऊपर दो छोटे ड्रॉर्स हैं, जिसमें से एक में मैंने रखे हैं हैंड टॉवल्स। इन्हें मैंने रोल करके रखा है जिससे कि जगह बचती है और ड्रॉर सुंदर व व्यवस्थित लगता है। दूसरे ड्रॉर में मैंने डाइनिंग चेयर कवर्स रोल करके रखे हैं और यहाँ आगे सूती तौलिया रखे हैं जो कि ट्रैवल में काम आते हैं। सबसे नीचे के ड्रॉर में मैंने एक्स्ट्रा अनयूज सामान रखा है, जैसे कि मेरे पास ये चादर है जो कि मैंने पिछले साल दिवाली पर खरीदी थी मगर अभी तक यूज नहीं करी है। कुछ नए फुट मैट्स हैं, ये एक और चादर है, एक्स्ट्रा कुशन कवर्स हैं और हैंड टॉवल का ये सेट है। यहाँ रखने से अंदाजा रहता है कि मेरे पास कितना और क्या क्या एक्स्ट्रा सामान है। बारिशों में कबर्ड को ह्यूमिडिटी एंड फंगस से बचाने के लिए मैं इसमें एब्जॉर्बिया रखती हूँ। तो ये है मेरा लिनन क्लोजेट जिसे कि मैंने आपके सामने ऑर्गेनाइज किया और ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ सामान मैंने मीशो से ऑर्डर करके मंगवाया था, जैसे कि ये बाथ टॉवल्स, हैंड टॉवल्स, ये चेयर कवर्स जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आए हैं, साथ ही में ये कॉटन के तकियों का सेट और ये सुंदर से पर्दे। सभी आइटम्स बहुत ही अच्छे और रीजनेबल दामों पर मिले और टाइम से डिलीवर भी हुए। आप लोग भी ये सामान आराम से घर में बैठकर मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं। मीशो के जरिए आप घर बैठकर बिजनेस भी कर सकते हैं मीशो रीसेलर बनकर। बस आपको करना यह है कि मीशो के प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। ऑर्डर मिलने पर अपना मार्जिन जोड़िए और ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। मीशो आपका ऑर्डर आपके कस्टमर तक पहुंचा देगा और आपका मार्जिन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। मीशो से आप कैसे कमा सकते हैं इसके बारे में और जानकारी और मीशो ऐप डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और साथ ही में जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में यूज किए हैं उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें सिंप्लीफाई योर स्पेस को इसी तरीके के और भी नए वीडियोज देखने के लिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर सभी प्रकार के नए नोटिफिकेशंस एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम सिंप्लीफाई योर स्पेस। बाय बाय।